Hey everyone, welcome back to my channel Makeup and Beauty Academy. मैं हूं आपकी दोस्त अनीता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कंपैरिजन बिटवीन लिप टिंट जो कि मैंने डिफरेंट अलग अलग जो है ब्रांड के लिए हुए हैं। तो मेरे पास यहां पे थ्री जो लिप टिंट लिप एंड चीक टिंट है, तो मैं वन बाई वन इसका जो स्वॉच है और इसके जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास जो है एक्टे का है, अर्थरिदम का है और जस्ट हर्ब का है। प्राइस जो है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो एक्टे का जो कलर है वो मैंने ऑरेंज लिया है, जस्ट हर्ब का पीची कॉरल है और जो अर्थरिदम का है उसका मैं भूल गई हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने लिया हुआ है, बट स्क्रीन पे मैं आपको कहीं पे मेंशन कर दूंगी। सो जो अर्थरिदम का है वो पहले दिखा देती हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल कलर, यू कैन सी इस काइंड ऑफ मैरून काइंड ऑफ कलर, इट इज़ वेरी पिगमेंटेड। नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट हर्ब का, इट्स अ थिक कंसिस्टेंसी, यू कैन सी थिक, बहुत थिक कंसिस्टेंसी है एंड द कलर इज वेरी ब्यूटिफुल। इट इज़ अ परफेक्ट कलर फॉर डस्की स्किन टोन। सो अगर आप डस्की स्किन टोन के हैं तो वो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव एक्टे ऑरेंज टिंट, यू कैन सी इट्स एन ऑरेंज कलर, इट हैज अ फ्रेग्रेंस लाइक ऑरेंज। तो अर्थरिदम का जो लिप एंड चीक टिंट है वो कलर जो है वो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छा वाला पिंक जो है वो हमारी चीक्स को और लिप्स को आ जाता है। द स्टेइंग पावर इज अराउंड 3 आवर, नॉट मोर देन दिस इफ वी डू नॉट हैव एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं खाते हैं तो ये 2-3 आवर तक रह जाता है और इसके ज़्यादा नहीं रहता है इसका जो असर है हमारे लिप्स पे। चीक्स पे भी ये इतना ही टाइम रहता है, अगर हमारा हाथ लग गया इस पे तो ये डेफिनेटली जो है निकल जाता है। सो इट डजंट स्टे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो नेक्स्ट जो ये है एक्टे का जो ऑरेंज कलर का ये लिप एंड चीक टिंट है, इट इज़ वेरी क्रीमी। सो अगर आपको हाइड्रेशन भी चाहिए अपने लिप्स पे तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस, ये बहुत ही लाइट सा कलर हमारे लिप्स को दे देता है। अगेन द स्टेइंग पावर इज़ वेरी लेस, ओनली 2-3 आवर्स, नॉट मोर देन दिस, बहुत अच्छे से हमारे चीक्स को कलर दे देता है और स्टेइंग पावर जो है आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट द जस्ट हर्ब लिप एंड चीक टिंट इज ग्रेट, द स्टेइंग पावर ऑफ जस्ट हर्ब लिप एंड चीक टिंट इज नॉट मच ग्रेटर इन समर्स बट इन विंटर्स इट वर्क्स ग्रेट। बहुत ही नेचुरल लगता है हमारे लिप्स एंड चीक पे और स्टेइंग पावर जो है वो विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मैंने इसे समर्स में लिया था तो समर में जो है इसकी स्टेइंग पावर इतनी नहीं अच्छी थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रीमी था तो ईजिली जो है वो निकल जाता था, बट जैसे ही जो समर आए हैं तो थोड़ा सा ये हार्ड हो गया है और इसी के साथ इसकी जो स्टेइंग पावर है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। जो जस्ट हर्ब का लिप एंड चीक टिंट है ये हमें बहुत ही मैट वाली फिनिश देता है, बट ये दोनों जो हैं वो हमें ग्लोई इफेक्ट देते हैं बिकॉज ऑफ द बाम इन इट आई थिंक। बट ये वाला जो है, ये वाला जस्ट हर्ब का, इट इज़ परफेक्ट फॉर विंटर बिकॉज इट जस्ट गिव द परफेक्ट ग्लो टू योर स्किन एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस मैट फिनिश और ये स्टेइंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आप स्टेइंग पावर के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और आपको हाइड्रेशन और ग्लो चाहिए तो आप डेफिनेटली ये वाले जो है दोनों प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट अगर आपको मैट फिनिश चाहिए, स्टेइंग पावर जो है वो हाई चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस जस्ट हर्ब प्रोडक्ट, दिस इज़ परफेक्ट फॉर समर्स एंड
ऑल्सो फॉर विंटर्स. सो आई होप कि आपने बहुत सारे लोगों ने इसे ऑलरेडी यूज़ किया हुआ होगा. सो अगर आपने इसे यूज़ किया हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. टिल नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय, टेक केयर.